वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ अप्रिल मंथ अराउंड 300 हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आपको इस स्पेशल वीडियो में मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पी डी एफ आप डाउनलोड कर सकते हो पी डी एफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो काफी ईजी रहता है ज्वाइन करना एंड काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सारे पी डी एफ आपको एक साथ मिल जाते हैं सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू सर्च करना आज पहली बार विजिट करे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में पाँच बजे आप तक पहुंच जाते हैं वीकली रिवीजन भी होता है एंड मंथली रिवीजन भी इन दिस फॉर्मेट आपको इस चैनल पे मिल जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आज पहली बार विजिट करे हो सो लेट स्टार्ट काफ़ी सिस्टमेटिकली वे में करेंगे लाइक like, आपको मैं पहले फर्स्ट वीक के करवाऊंगा देन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इस तरीके से आपके सारे वीक्स के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर हो जाएंगे सो लेट स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ टू डेज वीडियोज ये फर्स्ट वीक के दे सेकंड थर्ड उस तरीके से हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है वेरी इजी फॉर यू एक्जैक्टली सात अप्रैल सेवन अप्रैल इज द करेक्ट आंसर सात अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 7 अप्रैल 1948 हंड्रेड फोर्टी एट हेड क्वार्टर्स जिन्हें हुआ एंड इसके जो डायरेक्टर हैं टेड्रॉस एंडानॉम ओके एंड इस बारे का जो थीम था वो आपको याद रखना फॉर द एयर 2020 ट्वेंटी स्पोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइफ्स याद रखेगा सेवन अप्रैल रिसेंटली सैबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होल टाइम मेम्बर मधबी पूरी बच इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो फुल टाइम मेंबर हैं सैबी के सो इनका नाम याद रखिएगा इनको सिक्स मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया टिल फोर अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो यू हैव टू आंसर हु इज़ अ प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ़ सैबी आपको इसमें यह बताना था सैबी के चेयरमैन कौन है तो अजय त्यागी इज़ द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन को भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा डॉक्टर बलराम भार्गव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं रजनीश ओसवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट के जज बने इन्होंने शपथ ली अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था यू नो तीन सौ सत्रह पैंतीस हट पैंतीस से हट गया दैन तो उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्होंने फर्स्ट जज बने जिन्होंने शपथ लिया सुनील अरोरा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आप याद रखिएगा ओके सो थर्ड क्वेश्चन रिसेंटली चित्ररंजन लोकोमोटिव इंजन हैज सेटअप न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग 431 हंड्रेड थर्टी वन लोकोमोटिव इन द फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने फोर हंड्रेड थर्टी वन लोकोमोटिव्स बनाए सो so, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये चित्रंजन लोकोमोटिव ये है कहाँ पे कौन से इंडियन स्टेट में है ये सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्ट बेंगाल ओके अबाउट दिस स्टेट बेसिक डिटेल्स आपको हर स्लाइड में मिलती रहेगी मैं पूरी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन जाएगा बट आपको ए पी डी एफ में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे ओके अबाउट वेस्ट बंगाल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना प्रोजेक्शन लगाए इन द प्रजेंट फाइनेंशियल ईयर ये आपको बता रहे हैं जी डी पी का तो फोर परसेंट ओके अभी रिसेंटली जितने भी प्रोजेक्शन लगाएंगे मैं आपका रिवाइज करवाता हूँ वन पॉइंट वन परसेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देन उसके बाद 1.6% परसेंट बाय गोल्डमैन सैक रिपोर्ट वो आप याद रखिएगा 1.9% बाय परसेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2.5% बाय मोदी परसेंट बाय मोडी परसेंट वर्ल्ड बैंक 4% परसेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड 4.8% बाय यूनाइटेड परसेंट तो ये सारे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे ओके सो नेक्स्ट ओके देखो ये काफी स्पेशल पी डी एफ आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ एंड इसका कॉस्ट सिक्सटी नाइन रुपीज था बट राइट नाउ लॉकडाउन चल रहा है तो इसीलिए ये स्पेशल ऑफर आप सबके लिए आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई इसमें आपको क्या मिलने वाला है इसमें आपको लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं वेल well, आपके पास ऑप्शन है आप अगर परचेज करना चाहते हो तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हो बट वही जो अमाउंट है वो कंटेंट राइटर के लिए जो मैंने यहाँ रखा हुआ बट इफ़ यू आर विलिंग टू पे लाइक इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो अब आपको कैसे परचेज करना है लिंक मैं आपको अपने इंस्टाग्राम आई का डिस्क्रिप्शन में दूंगा या यहाँ यूज़र आई मेरा आपका यहाँ सामने शो हो रहा है आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एंड आपने मुझे मैसेज करना है अबाउट दिस ई बुक तो आपको ये पी ई बुक आपको उसी टाइम इंस्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें लाइक लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर ट्वेल्व हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आपको इस स्पेशल पी में मिल जाएंगे जो सिक्सटी नाइन रुपीज़ की थी बट राइट नाउ इसको मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड जो पे करके ले सकता है वो आप ले सकते हो वो आपके पास ऑप्शन है इट्स योर चॉइस ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके देखो अब हम क्या करने वाले हैं थोड़े से जल्दी करेंगे एंड थोड़ा फ्रेंडली वे में करेंगे मैं आपसे जस्ट जनरली डिस्कशन तरीके से हम करेंगे ताकि करंट अफेयर हम काफ़ी ईजी तरीके से हम कर पाएँ एंड आई थिंक मैं अब ये जो आंसर्स होंगे उनको मार्क नहीं करूंगा मैं औरली आपके साथ बताऊंगा आप खुद भी आंसर करने की कोशिश कीजिए एंड जब आप पी डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें आपको मार्क्ड मिलेंगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिमांडेड ड्रग्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्ूइन फ्रॉम इंडिया एक्चुअली इंडिया ने पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया था यहाँ थोड़े सा करेक्शन कर लेंगे आप स्पेलिंग में थोड़ा सा लाइक like, करेक्शन करेंगे उसके बाद क्या किया था इंडिया ने इस पर प्रतिबंध लगाया था ओके okay. ताकि इंडिया में इसका सप्लाई में कम ना पड़ जाए बट काफ़ी टाइम से काफ़ी यू का डिमांड आया अदर कंट्रीज़ ने डिमांड किया सो राइट एंड देन इंडिया डिसाइडेड कि इस पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा एंड ऑलमोस्ट हरी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ने इसको सप्लाई किया है ओके सो सबसे पहले तो यू ने डिमांड किया था एंड राइट नाउ इंडिया ने ऑलमोस्ट श्रीलंका को मालदीव्स को एंड नेपाल तक को सारी कंट्रीज़ को हमने ये सप्लाई की है ये मेडिसिन ओके तो याद रखिएगा इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरिग्यून पे पहले एंड पैरासेंडामोल पे कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध लगाया था ओके देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन उनके द्वारा एक लाइक एक, एक कैंपेन लॉन्च किया गया था एक इनिशिएटिव लिया गया था टू तो फाइट विद कोरोना वायरस ओके जितने भी हमारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आईआरएस ऑफिसर आईएफएस ऑफिसर सारों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था सो so ये बताना था कि इस इनिशिएटिव का क्या नाम था तो इस इनिशिएटिव का नाम था ऑप्शन नंबर बी करोना ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट सीएम हैज बिन ऑनर्ड विद पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड इनके काम को देखते हुए टूवर्ड्स एनिमल इन्हें सम्मानित किया गया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सो बताने की कौन से स्टेट के सी को इसे सम्मानित किया गया पीटाक से सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा ओके ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के सी एम हैं नवीन पटनायक सारी डिटेल्स आपको स्लाइड में मिलती रहेगी कि इन्होंने क्या किया अराउंड फिफ्टी लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग एनिमल्स उनको फीड करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ओके सो आपको याद रखना है सो अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी देन उसके बाद रिसेंटली को ब्रांड हैज़ बीन इंडक्टेड इन ने स्मिथ मेमोरियल बॉस बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम सो इन्हें सम्मानित किया गया लेकिन इन्हें इंक्लूड किया गया इंडक्ट किया गया सो so, आपको ये बताने कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं अनफॉर्चुनेटली ट्वेंटी सिक्स जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी में इनका एक क्रैश में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डॉटर भी थी थर्टीन ईयर्स की साथ में इन दोनों की डेथ हो गई थी सो so, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये थे जी बास्केटबॉल प्लेयर ऑप्शन नंबर C is the correct answer for this question, okay? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसली साउथ सेंट्रल रेलवे स्टार्टेड दू दुरंतो स्पेशल ट्रेन दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है फॉर द सप्लाई ऑफ असेंशल सर्विसेज जिसमें लाइक वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स हो गए मिल्क हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है सो so आपसे ये पूछ रहा है कि वेयर इज हेड क्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे ये आपको बताना है वेल well, आप खुद ही भी गेस कीजिए मैं तभी आप यहाँ पर वॉक नहीं कर रहा आंसर ताकि आप लोगों को खुद भी तो पता चलता रहे कि ऑलरेडी आपको कितनी नॉलेज है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है इसके हेड क्वार्टर्स तेलंगाना सिकंदराबाद में ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके इंपॉर्टेंट डेज़ में ये तीन इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने ओके okay, तो ये इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर फिफ्थ अप्रैल एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शंस ये फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है देन उसके बाद फिफ्टी सेवंथ एडिशन ऑफ नेशनल मैरेंटाइन डे ऑब्जर्व किया गया ये आपको याद रखना है देन उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट सिक्स अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ये भी आपको याद रखना है देन उसके बाद इंडियन एन जी ओ एमंग लाइक like एक इंडियन एन जी ओ है जिसका नाम अरमान है इज़ द फोर विनर्स टू क्लिन स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेनरशिप ट्वेंटी ट्वेंटी सो आपको ये बताना है कि इसके फाउंडर कौन है एन जी ओ अरमान के सो डॉक्टर अपर्ना हच इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनके काम को देखते हुए टुअर्ड्स द फील्ड लाइक वर्क इन द मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट इन स्पेस तो इन्हें सम्मानित किया गया अरमान एन जी ओ एंड इसके फाउंडर का नाम आपको याद रखें डॉक्टर अपर्ना हैज ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियेशन हैज लॉन्च लाइफ लाइन उड़ान फॉर मूवमेंट ऑफ मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाईज अक्रॉस इंडिया सो आपको ये बताना है कि लाइक लाइफ लाइन उड़ान चलाई गई थी एसेंशियल सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने में असेंशियल सर्विसेज में हमारी मेडिसिन वगैरह सारे आइटम्स आ जाते हैं सो सिविल एविशन मिनिस्टर को वेरी इजी फॉर यू हरदीप सिंह पुरी इज द करेक्ट आंसर ओके विथ ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मो प्रित्वा एंड अबाउट दिस यूनिसेफ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मिलता रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ओके द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी साइंड एग्रीमेंट विद उबर टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू हेल्थ वर्कर्स सो आपको बताना है कि उबर के सी कौन है इस क्वेश्चन में आपको ये बताना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लाइक like, इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि लाइक हेल्थ वर्कर्स को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए सो so, इसके जो सी हैं उबर के वो हैं जी दारा कोश्रो शाही इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर नेम द एप विच वॉज टेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू लोकेट क्वारंटीन वॉलेटर्स क्वारंटीन वॉलेटर्स जो वॉलेट करते हैं उनके लिए एक जो ऐप बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा उसका नाम क्या था जियो फेंसिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके रिसेंटली इंडिया हैज सप्लाइड 6.2 पॉइंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट टू मालदीव अंडर व्हिच ऑपरेशन ये ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है अंडर व्हिच ऑपरेशन इंडिया ने मेडिसिन सप्लाई किया टू मालडिवस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन संजीवनी इंपॉर्टेंट है ओके रिसेंटली अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हैज़ बिन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड 19 सो so आपको ये बताना है कि कहाँ पे शेड्यूल किया गया था कहाँ पे होने वाला था नवंबर दिसंबर में होने वाला था तो ये हमारे अपने इंडिया में होने वाला था ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन औरिजन साउथ अफ्रीकन टू हैव डाइड विद कोविड नाइन्टीन ओके एक्चुअली ये डॉक्टर थी काफ़ी बड़ी एक साइंटिस्ट थी वायरोलॉजिस्ट थी इनका इनकी डेथ होगी ड्यू टू कोविड नाइन्टीन सो आपको बताना था इनका नाम क्या okay. काफी है ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको बताना है सो so इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गीता राम जी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड रेडियो स्कूल विद कोलेब्रेशन विद ऑल इंडिया रेडियो लाइक इनिशेटिवस लिए गए रेडियो पे बच्चों को इंस्पायर करने का एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन उनको मोटिवेट रखने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सो किस स्टेट द्वारा द स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश ओके

विथ स्टेट गवर्नमेंट हेज स्टार्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ पेंशन टू एनकरेज बेनिफिशरीज टू स्टे एट होम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डोर टू डोर पेंशन प्रोवाइड की गई ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन द स्टेट इज ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश रिसेंटली आई बी एम हैज स्टार्टिड वेटसन असिटेंट ठीक है वैटसन असिस्टेंट लेकिन इसमें आप लॉग इन कर सकते हो एंड अपना लॉग इन वगैरह बना के क्रिएट करके आप कोई भी क्वारी होगी रिलेटेड टू तो कोविड नाइन्टीन आप ले सकते हो ओके okay? सो so अभी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि सी योगो ने IBM के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरविंद कृष्णा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी अभी रिसेंटली इन्होंने चार्ज संभाला है इनका नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ विच जज हैज़ बिकम द फर्स्ट जज ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्स्ट जज बने जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शपथ लिया जस्टिस रजनीश ओसवाल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द सीड सूट नेम्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज बिन डेवलप्ड बाय तो किसके द्वारा इसे बनाया गया एग्जैक्टली ऑलरेडी मार्क्ड है डी आर डी ओ इज द करेक्ट आंसर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन

सो यू हैव टू आंसर हू इज़ अ प्रजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ एन टी पी सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुरदीप सिंह ओके आप खुद भी आंसर करने की कोशिश करते रहो जब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ यू हैव टू फाइंड द आंसर एंड आंसर्स आपको मार्ग मिलेंगे पी डी एफ में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वेल well, यहाँ भी मार्क कर सकता हूँ मैं बट आई वॉन्ट कि आप लोग खुद ही गैस करें एंड आपके माइंड में थोड़े से ज़्यादा प्रेशर बढ़े सो नाइनटीन एशियन गेम्स विल भी हेल्ड इन विच कंट्री तो कौन सी कंट्री में होंगी ये आपको बताना है आप लोग इसे गैस कीजिए खुद ही गैस कीजिए मैं आपसे ये कहूंगा ओके चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसकी जो मास्कट रखे गए विच कंट्री विल बी होस्टिंग द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन लाइक यूथ गेम्स इन 2021 सो so ये भी सेम कंट्री करेगा दैट इज चाइना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर वो एज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया ऑनलाइन गेम है पोकर स्टार किसे बनाया गया वेल well, आपके सामने पिक्चर है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई महेंद्र सिंह धोनी ओके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड ए सेटअप अप टू वार ए रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर कवच कवच की फुल फॉर्म याद रखिएगा कवच की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ऑगमेंटेशन वॉर विद कोविड नाइन्टीन हेल्थ क्राइसिस ओके जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा दिस कवच एंड फॉर न्यू लाइक इनोवेशंस जो हम कोविड नाइन्टीन से इससे लड़ पाएँ ओके okay? जैसे वेंटिलेटर बन गए आई द्वारा जो वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं लो कॉस्ट तो उनको भी ये फंड्स वगैरह भी कर रहा है और उनकी हेल्प भी कर रहा है ये कवच इनिशिएटिव ओके एन ने जो एक लाइक एक्साइज लॉन्च की थी टू लाइक अपने वॉल्टियर्स हेल्प के लिए भेजे थे अंडर विच एक्साइज लाइक एक्साइज का नाम था एक्साइज एन सी सी योगदान ये आपको याद रखना है एन सी सी योगदान ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया था वो भी याद रखना है टू फाइट विथ कोविड नाइन्टीन सो आपको यह बताना था कि डायरेक्टर जनरल कौन है एन सी सी के वेरी ईजी फॉर यू राजीव चोपड़ा काफ़ी बारी रिवाइज करवाया ओके बाकी डिटेल्स एन सी सी की सारी यहाँ आपके पास स्लाइड में मिल जाएगी दर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज शिफ्टीड टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड एथलेट फेडरेशन के ये आपको बताना है सो so, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सबेस्टिन कोए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड इसके हेड क्वार्टर मोनेको में ओके फोन पे लॉन्च इज करोना इंश्योरेंस पॉलिसी करोना केयर विद द पार्टनरशिप विद बजाज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द सी ओ ऑफ फोन पे एंड बजाज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस तो इसके सी ओ को इन दोनों के फोन पे के एंड बजाज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के ही आपको बताना था आई होप आपने गैस कर लिया इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर समीर निगम एंड तरुण चुग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली कन्फर्म्ड बॉब वेंगटन एज द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन यू हैव टू आंसर ही इज फ्रॉम विच कंट्री एंड इनके जो लाइक एज रिकॉर्ड की गई है एज ऑन थर्टीथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एक सौ बारह साल वन हंड्रेड ट्वेल्व ईयर्स एंड वर्ल्ड डे सो ही इज फ्रॉम विच कंट्री ही इज़ फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इससे पहले चितेस्तु फते नैबे जिनका निधन हो गया था वो जापान के थे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके कुछ ओबिचरीज में आपको याद रखना है पदमाश्री अवडी बाय निर्मल सिंह ओके okay, हजूरी रागी जो लाइक गुरदास लाइक गुरबानी बोलते हैं आपने देखा होगा जो लाइक अमृतसर में एंड किसी गुरुद्वारे में आपने देखते हैं लाइक गुरबानी बोलते हैं सो so, काफ़ी फेमस थे डॉक्टर भाई निर्मल सिंह जी सो इनका निधन हो गया ये आपको याद रखना है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन एंड उसके साथ साथ एम ई अवार्ड विनिंग सिंगर एडम साइचल सिंगर इनका भी निधन लाइक इनकी भी डेथ हो गई ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो ये आपको जरूर याद रखना है इनको ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था लाइक फॉर म्यूजिक इन टू थाउजेंड नाइन ओके नाम याद रखना एडम साइचल सिंगर यू एन कॉप ट्वेंटी सिक्स क्लाइमेट चेंज समिट इसे पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट ईयर तक ओके okay, इस समिट के लिए लाइक like एक जो प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए थे वो इंडियन ओरिजिन के थे जो ग्लासगो में होने वाली थी सो यू हैव टू आंसर कि इनका नाम क्या okay, है जिन्हें प्रेजिडेंट बनाया गया था फॉर दिस समिट इंडियन ओरिजिन के करेक्ट आंसर इज़ आलोक शर्मा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके आरोग्य सेतु ऐप बनाई गई है ओके टू ट्रैक कोविड नाइन्टीन सो so, इसे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सो यू टू आंसर हु इज द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपको बताना है ओके हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी आप जानते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं एग्जैक्टली रविशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके टॉनी लेविस ऑफ डी एल एस मेथड आपने देखा होगा जैसे ही बारिश आ जाती है तो डी एल मैथड लग जाता था सो so, इसका आविष्कार टॉनी लेविस ने ही किया था एंड अब इनका निधन हो गया ये आपको याद रखना है अलॉन्ग विद फ्रेंक डकवर्थ इन दोनों ने मिलकर बनाया था इन नाइनटीन हंड्रेड सेवन एंड इसे आईसीसी ने अडॉप्ट किया था इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड नाइन तो याद रखिएगा इनका निधन हो गया ओके okay. रिसेंटली इंडियन नेवल डॉक्य डिजाइन लो कॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ पर्सनल टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ कोविड नाइन्टीन सो यू हैव टू आंसर काफ़ी ईजी आपके लिए like, प्रजेंट चीफ कौन है नेवल स्टाफ के इसमें ये आपको बताना था ओके okay. तो ये गन बनाइए ये, ये आपको याद रखना है एंड द सी लाइक जो चीफ है नेवल स्टाफ के वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके आर बी हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स विच एटैब्लिशमेंट डे ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 ट्वेंटी so सो 85 फाइव ईयर्स हो गया आर बी आई को आर बी आई का एटैब्लिशमेंट फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फाइव में हुआ था ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके वट इज द लिमिट ऑफ द पर्सन रिजाइड लाइक लिमिट फॉर द पसन रिजाइड इन जम्मू एंड कश्मीर टू बिकेम द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी सो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में पंद्रह साल रहे हो देन आप वहाँ के एक परमानेंट मेम्बर बन सकते हो लाइक आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिल सकते लाइक आप वहाँ के डोमिसाइल हो सकते हो तो कितना लाइक अभी न्यू डोमिसाइल लॉ जो अभी लाइक हुआ भी स्टार्ट किया गया ठीक है अकॉर्डिंग टू रूल्स न्यू रूल्स फिफ्टीन ईयर्स आप एटलीस्ट अगर रहे होंगे तो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे ओके फिफ्टीन ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ओके डोनेशंस फॉर प्राइम मिनिस्टर पी केयर फंड ग्रांटेड 100 परसेंट टैक्स एग्जाम्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब आप जितना भी अगर आपने डोनेशन किया है तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो वो आपकी इनकम को एक लाइक एग्जैम्ट माना जाएगा उस पर आपको टैक्सेज नहीं पे करने ओके दिस इज़ द मतलब लाइक दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंड एक्चुअली क्या है कि हिंदी वाले स्टूडेंट एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट मेरे चैनल पर दोनों है सो so, कई बार ये हो जाता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाते हैं एंड कुछ वर्ड इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं हिंदी में खत्म हो जाते हैं सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कोई इशू नहीं इतना ओके सो एट्टी जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग लाइक like, जो भी आप लाइक uh, डोनेशन like, करते हो तो वो नॉन टैक्सेबल होगी एग्जाम होगी इस पर कोई टैक्स नहीं पे करना है ओके सो ग्रैंड स्लैम कौन सा कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड नाइन्टीन विम्बल डन ओके ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंच ओपन को भी हमने लाइक डिले किया गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ लॉन्च डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल फॉर कोविड नाइन्टीन अपडेट्स सो आपको ये बताना है कि इसमें इसको दो क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन किए हैं लाइक इसमें जो ट्विटर हैंडल है हैश टैग इंडिया फाइट्स विद करोना फाइट्स करोना सो प्रेजेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सी ओ ऑफ ट्विटर कौन है दोनों क्वेश्चन को ऐड ऑन किया है सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रकाश जावेडकर And Jack Dorsey is the correct answer for this question. Option number A is the correct answer for this question. Next is The World Bank has offered $1 billion help to India to fight with COVID 19. So, President of the World Bank, ke ke? very easy for you. David Malpass so, Option number C is the correct answer. And $1 billion he helped Jack Dorsey. Ne दिया इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक एंड जैकडॉर से इंडिविजुअली उन्होंने वन बिलियन का हेल्प दिया है टू ऑल द लाइक चैरिटीज टू फाइट विथ कोविड नाइन्टीन सो उड़ीसा या उत्कल दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है उड़ीसा फाउंडेशन डे होता है फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके अबाउट द स्टेट which state government has launched corona watch app to track the person tested positive with covid-19 so this was launched by karnataka government option number d is the correct answer for this question okay about the state on which day world autism awareness day is observed the theme for this year is the transition to adulthood correct answer is option number b second april okay recently united नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरस टर्म्ड कोविड नाइन्टीन एज द मोस्ट चैलेंजिंग क्राइसिस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड सो यू हैव टू आंसर ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन वॉज वॉज एस्टैबलिश्ड एंटोनियो गुटेस ने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे मोस्ट चैलेंजिंग क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं डेट इज़ कोविड नाइन्टीन सो इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी यूनाइटेड नेशन की ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव ओके सो अबाउट दिस लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट defines री domicile डोमिस लाइक like, जो मैंने आपको बताया आप पंद्रह साल आप रहे होने चाहिए आपने टेंथ एंड ट्वेल्थ जम्मू एंड कश्मीर से की होनी चाहिए लाइक आपके अगर जैसे आपके फादर हैं सपोज़ करो वो जम्मू एंड कश्मीर में सर्विसेज दे रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं आई ऑफिसर हैं आई ऑफिसर हैं तो आप भी वो दस साल तक अगर उन्होंने जम्मू में सर्विसिज़ दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर में दैन यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द डोमिसल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ओके नासा लॉन्च टू न्यू मिशन हैज़ लॉन्च न्यू मिशन सनराइज टू स्टडी अबाउट सोलर पार्टिकल स्टॉम्स अबाउट द सन टू स्टडी अबाउट द सन सो वेरी इजी आपको यह बताना था कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के जिम ब्रेडिनस्टाइन इज द करेक्ट आंसर नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यू एस एके फुल फॉर्म भी है यहाँ पर पूरी लाइक सन sun, इसकी सनराइज मिशन की तो ये भी आप देख लीजिएगा ओके okay. सन रेडियो इन टर्मीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट इज द फुल फॉर्म ओके हुज द ऑथर ऑफ बुक द डेथ ऑफ जीजस विच हैज़ बिन रिलीज रिसेंटली सो इस बुक के ऑथर हैं जी जे एम की ओड जी ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो द फॉलिंग कंट्री हैज रिकमेंडेड बाइल बियर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन सो कौन सी कंट्री ने बायल बियर को रिकमेंड किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन द कंट्री इज China. Option number B is the correct answer. Recently, Nobel laureate Philip Anderson passed away. It ho gaya. You have to answer. He has recently received Nobel Prize in 1997. In which field? So, inko Nobel Prize diya gaya tha in physics. Option number B is the correct answer for this question. Recently, the Ministry of Road and Transport and Highways extended the validity of documents till 30 June. यानी कि आप लोगों के आर सी परमिट एक्सपायर हो चुका है अगर कोई इशू नहीं है आपको थर्टी जून तक डेट मिल गई है आप इसको बढ़ा सकते होके अब भी आप अगर कहीं जाते हो इन केस ऑफ एमरजेंसी तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा सो so, इसके प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है नितिन गडकरी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है थर्टी मार्च ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डे ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई एंड फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया था थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन में मोदी किचन का उद्घाटन कहाँ किया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन लाइक गरीब लोगों को डेली पाँच सौ लोगों को खाना खिलाया जाएगा सो so ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च स्टैंडर्ड इन इंडिया लाइक पोर्टल टू हेल्प फॉरन टूरिस्ट हू स्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो इस पोर्टल का नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया सो यू हैव टू आंसर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज़म कौन है आपके लिए बताना आपको ये एंड हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर आपके सामने यहाँ शोर है एंड लाइक आप यहाँ भी लॉग इन कर सकते हो कॉल कर सकते हो सो द टूरिज़म मिनिस्टर हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके हुमंग द फॉलिंग हैज़ वॉन द हिंदू प्राइज 2019 नाइन्टीन so, तो किसे सम्मानित किया गया सो so, दो पर्सन को सम्मानित किया गया फॉर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन मिर्जा वहीद एंड संतनु दास सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड डिटेल्स पूरी यहाँ दी गई है ओके फॉर फिक्शन लाइक मिर्ज़ा वहीद को टेल हर एवरी थिंग एंड संतनु दास को फॉर नॉन फिक्शन इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग्स इमेज एंड सॉन्ग्स ओके तो याद रखेगा ओके आरबीआई डिप्टी गवर्नर बीपी करूंगो गेट्स वन ईयर एक्सटेंशन तो इनको एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया तीन अप्रैल को इनका टेन यूर खत्म हो रहा था सो so, एक साल का एक्सटेंशन इनको फर्दर दे दिया गया विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट डेवलपिंग एमरजेंसी बैग्स सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय डी आर डी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस टू इन्वेस्ट हंड्रेड मिलियन इन द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सो प्रेसिडेंट कौन है ये आपको बताना वेरी इजी मसाज सागो असाकावा कावा इज द करेक्ट आंसर फोर परसेंट जी डीबी का एस्टिमेट लगाया इंडिया के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ओके विच कंट्रीज प्रिंसेस मारिया टेरिसा पासड अवे ड्यू टू कोविड नाइन्टीन सो द कंट्रीज स्पेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेजेंडरी हिस्टोरियन अर्जुन देव पास्ड अवे इनका नाम आपको याद रखना है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाउ ही सर्वड एज हिस्टोरियन इन द एनसीआर टी सो याद रखिएगा अर्जुन देव जी ओके रिसेंटली सऊदी अरेबिया हैज़ ए शोर टू प्रोवाइड अन इंटरप्टिड एल पी जी टू इंडिया सो करेंसी क्या है सऊदी अरेबिया की वेरी रियाल एंड रियाद इज़ द कैपिटल किंग सलमान बिंग अब्दुलज अल सौत ओके ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 ट्वेंटी इज रीश्यूल्ड अब नेक्स्ट ईयर होंगे सो so, ये आपको बताना था ये कौन सा एडिशन था ओके okay, जो अब रीशेड्यूल्ड हुआ है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी थर्टी सेकेंड एडिशन था एंड uh, कौन कौन सी डेट्स को होंगे एग्जैक्ट पूरी डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी विद डेट्स नेक्स्ट ईयर होंगे अब ओके रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेज इट्स न्यू लोगो बिफोर इट्स मर्जर विद ओ बी सी एंड यू बी आई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सो इन दोनों ने मिलके देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी सेम राइम करता है, लाइक उसकी भी एव्रिवेशन इसी तरीके से बनेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बट दिस इज़ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओके तो ध्यान रखिएगा ओरिएटल कॉमर्स बैंक फर्स्ट ओ बी सी सो आपको बताना है कि एम डी एंड सी ओ कौन है पंजाब नेशनल बैंक के सो करेक्ट आंसर इज एस एस मल्लिकार्जुना राव ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर एंड लोगो आप यहां देख सकते हो विच इंडियन स्टेट हैज फॉर्म्ड इंटर डिपार्टमेंट कमिटी इज कॉल्ड टीम इलेवन यानी कि टीम इलेवन का गठन हुआ है टू फाइट विद कोविड नाइनटीन सुधारे मिलकर एक टीम बनी है जो फाइट करने के लिए कोविड नाइनटीन सो इसको बनाया था उत्तर प्रदेश ने ओके विच बैंक हैज स्टार्ट सर्विसज ऑन वट्स सो दिस वॉज स्टार्टेड बाई आई सी आई सी आई बैंक ओके याद रखेगा एंड जिसके एम डी एन सी ओ हैं संदीप बख्शी विच इंडियन स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्चड ए मोबाइल ऐप राजप ऐप सिटीजन ऐप राजॉप सिटीजन ऐप लाइक ई पासिस वगैरह पुलिस देगी ऑनलाइन आप ले सकते हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय राजस्थान पुलिस ओके विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए मोबाइल हैंड वॉश फैसल्टीज फॉर डम लाइक स्लम ड्वेलर्स जो झुकी uh, जो कंपनीों में रहते हैं इस तरीके की लाइक मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज स्टार्ट की गई हैं आंध्रा प्रदेश गवर्मेंट द्वारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ओके विज ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप मोबाइल ऐप क्वारेंटीन सो किसके द्वारा बनाई गई है ये आपको बताना है सो दिस वॉज मेड बाय आई आई टी बॉम्बे ओके कुछ ओबिचरीज में आपको ये याद रखना है यूनियन मिनिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा इनका निधन हो गया ओके okay, टेलीकॉम मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया था स्टील मिनिस्टर भी लोकसभा के मेंबर भी रहे थे 1996 हंड्रेड नाइन्टी लेकर टू तक ओके okay, देन उसके बाद रिटायर्ड वाइस चीफ मार्शल चंदन सिंह राठौड़ इनका निधन हो गया महावीर चक्कर से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने 1962 एंड 1971 वॉर्स में सेवनटी सिक्सटी में चाइना के साथ वॉर हुआ था 71 में पाकिस्तान के साथ एंड उसके साथ जापानीज कॉमेडियन कैन शिमूरू शिमूरा इनका निधन हो गया कैन शिमूरा ड्यू टू करोना वायरस दैन तमिल फोक सिंगर एंड एक्ट्रेस पारावाई मोनिया पासडवे तो इनका भी निधन हो गया ओके okay? तो याद रखेगा ये चार क्वेश्चन है ओके प्रज्ञान ऐप कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा लॉन्च की गई टू लाइक यू ई पासिस तो प्रज्ञान ऐप लॉन्च बाय झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ओके सो डेट्स ऑल देखो फर्स्ट वीक के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अराउंड हमने इसमें 80 क्वेश्चंस कर लिए देन अब हम इसमें सेकेंड वीक के करेंगे फिर थर्ड के करेंगे देन उसके बाद हम करेंगे फोर वीक के ओके okay? आप चाहें तो इसमें पाँच दस मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो वीडियो लेंथी बन रहा है बट uh, आप इसमें रेस्ट करके भी पढ़ सकते हो ओके okay? सो so, आप पाँच मिनट का रेस्ट लेके से स्टार्ट कर सकते हो सो so, शुरू करते हैं फिर सेकेंड वीक के सो लेट स्टार्ट सेकेंड वीक करंट अफेयर्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेट लिफ्टर्स हैज़ बिन बैंड फॉर डोपिंग वायलेशन फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स सो टोक्यो ओलंपिक्स लाइक इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया कौन से दो कंट्रीज के आपको बताना है सो द कंट्रीज इज थाईलैंड एंड मलेशिया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अबाउट द कंट्रीज बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सेफ टनल इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू सैनिटाइज पीपल ओके तो कहाँ पे बनाया गया था लाइक इसे इंस्टॉल किया गया वी सेफ टनल सो ये इंस्टॉल करवाया गया तेलंगाना में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके न्यू चेयरमैन नेस के कौन बने ये आपको बताना है सो न्यू चेयरमैन बने यू बी प्रवीण राव ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच कंट्रीज इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पासड अवे ड्यू टू कोविड नाइन्टीन मोहम्मद जबरील जबरील इनका निधन हो गया ड्यू टू कोविड नाइन्टीन सो ये थे लिबिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कितने परसेंट सैलरीज कटेंगी फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स ओके डेट वॉज डिसाइडेड दो साल के लिए इसमें सैलरीज थर्टी परसेंट सैलरीज का डिडक्शन किया जाएगा ओके सो द करेक्ट आंसर इज थर्टी परसेंट फॉर दिस क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट टॉप डिन माइक्रो इरीगेशन कवरेज अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टॉप किसने किया So the state is Tamil Nadu and this scheme Yojana was launched by Pradhan Mantri Modiji on 1st July 2015. Okay. Which bank has started providing doorstep facilities to their customers? So correct answer is State Bank of India. Which state government has become the first to stay uh, to use geofencing to track quarantine violators? So the first state to use this is केरला ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी इन्होंने समाधान चैलेंज स्टार्ट किया लाइक लॉन्च टू फाइट विद कोविड नाइन्टीन सो इसमें लाइक टीचर्स एंड इनोवेटर्स को रिसर्चर्स को लाइक like, उनको आइडियाज शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ओके सो दिस वॉज स्टार्टेड बायियन एच आर डी मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कौन है जी हमारे इसके ये आपको बताना है रमेश पोखरियाल निशांक इनकी कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च एक्शन फाइव टी प्लान टू कम बैक विद कोविड नाइन्टीन सो दिस वॉज लॉन्च बाय अरविंद केजरीवाल यानी कि न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ओके हु हैज टेकन चार्ज एज द स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुराग श्रीवास्तव याद रखेगा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर एंड स्पोक्स पर्सन बने अनुराग श्रीवास्तव मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना नासा स्पेस एजेंसी एज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेस कैंप आर टेमिस अर टेमिस इसका नाम दिया गया लाइक बेस कैंप जहाँ पे इंसान जाके रह सकेंगे 2000 यानी 2024 से पहले पहले इन्होंने लाइक इनका कोशिश है कि उससे पहले बनाया जाए आर को सो so ये बता पूछ रहा है कि स्पेस एजेंसी यूएसए की है नासा की ओके नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा द फोर ईयर ओल्ड मलयाल मलयालम टाइगर नादिया ओके नादिया लाइक जो इन्फेक्टेड हुई थी कोविड नाइन्टीन में कोविड नाइन्टीन से तो ये आपको बताने की कौन सी कंट्री में लाइक like, ये यूएसए में न्यूयॉर्क में एक लाइक एयरट ब्रोंक्स जू न्यूयॉर्क सो चार फोर ईयर्स ओल्ड नादिया फीमेल टाइगर जो इन्फेक्टेड हुई है कोविड नाइन्टीन से सो यूएसए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके रिसेंटली ट्विटर सी ओ हेज प्लेस टू डोनेट वन बिलियन डॉलर टू कोम बैक ट्विथ कोविड नाइन्टीन सो सी ओ को ट्विटर के वेरी इजी जैक डॉर सी ओके विच क्रिकेटर हैजेम हैज बिन नेम्ड विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी सो किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से सो करेक्ट आंसर इज बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं एंड इन केस ऑफ फीमेल कैटेगरी एलसी पैरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन्हें सम्मानित किया गया ओके okay? तो बेन स्ट्रोक मैन कैटेगरी एंड फीमेल में अल आईसी पैरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओके विच सैटेलाइट ऑफ नासा विल गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ वॉल्निक्रप्शन एंड अर्थक सो इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की सैटेलाइट का नाम है सी आई आर ई एस जिसकी फुल फॉर्म है क्यूब सेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसिस याद रखेगा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रिसेंटली सार्क डेवलपमेंट फंड एलोग फाइव मिलियन फंड फॉर कोविड नाइनटीन प्रोजेक्ट ओके सो आपको ये बताना है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन आर्ट कंट्रीज हैं एट्स के सेक्रेटरी जनरल हैं साल रूवन वे कॉन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओके अबाउट द कंट्रीज आठ कंट्रीज पूरी यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं ओके विच क्लॉज वांट अप्लाई टू कोरोना वायरस डेथ क्लेम्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज सो फोर्स मेजोर क्लास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर डेट मेन इन केस ऑफ कोरोना वायरस की वजह से किसी को डेथ हो जाती है सो so वो कोई नेचुरल डेथ नहीं लाइक मानी like, जाएगी इन केस जैसे कोई नेचुरल डेथ होती है तो जहाँ कंपनीज क्लेम नहीं करती राइट नाउ कोरोना का कोई इलाज नहीं है बट स्टिल ये क्लियर कर दिया गया कि अंडर दिस फोर मेजर क्लास में ये नहीं आएगी सारे क्लेम्स दिए जाएंगे ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फोर्स मेजर क्लास इज द करेक्ट आंसर ओके वर्ल्ड हेम्योपैथी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टेन अप्रैल दस अप्रैल को ओके थीम याद रखिएगा लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलेबोरेशन ओके फार्मासिस्ट कॉमनली नोन एज लाइक वट आर डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड मेडिसन्स ओके अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना सो अंडर स्वास्थ्य के सिपाही एक इनिशियटिव

ऑपरेशन शील्ड लॉन्च इन विच इंडियन स्टेट पब्लिक यूनियन टेरेटरी दिस वॉज लॉन्च बाय अरविंद केजरीवाल इन न्यू दहली पूरी डिटेल फर्स्ट एज स्टैंड फॉर सीलिंग ऑफ एरिया होम क्वारंटीन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट एसेंशियल सर्विस एनश्योर्ड लोकल सैनिटाइजेशन डोर टू डोर सर्वे इसकी फुल फॉर्म है ओके विथ इंडियन स्टेट हैज बिगेम द फर्स्ट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल थर्टिथ अप्रैल ओके okay, सबसे पहले बढ़ाने वाला देन उसके बाद इसको तीन मई तक बढ़ा दिया गया यू नो एंड फर्स्ट स्टेट बना था उड़ीसा ओके फोर्ब्स ट्वेंटी फोर्थ एनअल वर्ल्ड बिलिनरीज लिस्ट में टॉप uh, कौन रहा ये आपको बताना है ओके सो नंबर वन पे हैं जेफ बेजोस सेकंड नंबर पे हैं बिल गेट्स एंड फ्रांस के बर्नोड अर्नोल्ड थर्ड नंबर पर एंड मुकेश अंबानी हमारे सेवनटीन नंबर पर रहे भी आपको याद रखना है देन उसके बाद रिसेंटली गूगल हैज़ एक्चुअली अभी फेसबुक ने भी एक्वायर किया है लाइक like, uh, कुछ शेयर्स लिए देन इस लिस्ट ये जो फॉर्ब्स की लिस्ट आई थी ये पहले आ गई थी ठीक है जब फेसबुक ने एक्वायर किया अब ना वेल्थ उनकी बढ़ चुकी है अब लेट्स सी अब नब ne, नेक्स्ट आता है तो राइट नाउ थर्टी फोर्थ इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी सेवनटीन नंबर पर याद रखेगा सो गूगल ने एक स्पेशल की बोर्ड लाइक लॉन्च न्यू वर्चुअल ब्रायल की बोर्ड से लॉन्च किया था तो इसके सी ओ है गूगल के वेरीजी सुंदर बचाई आप सब जानते हैं एंड टॉक बैक टॉक बैक इसका नाम रखा गया था इस की बोर्ड का याद रखिएगा टॉक बैक ओके वर्ल्ड ब्राइल डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है फोर्थ ऑफ जनवरी ओके द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मलिना ट्रंप द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सो इस बुक को पब्लिश किया गया हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक करेक्ट आंसर इज मैरिज ऑर्डर यू नो हुआ ऑज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया राइट नाउ कमेंट करके बताइए मुझे एंड वाई इज कॉल्ड द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड हु इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया कमेंट करके बताइए देखते हैं लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्मेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इम्पोवर्ड ग्रुप फॉर कॉर्डिनेशन विद प्राइवेट सेक्टर एन जी ओ एंड ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट विथ कोविड नाइन्टीन सो एक लाइक कमेटी बनाई गई सो आपको ये बताना है कि इसको हैड कौन करेगा लाइक like, uh, सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलने को लाइक like, इसमें इसका मेन पर्पज है सो so, इसको हेड कर रहे हैं जी अमिताभ कांत ओके सीईओ ऑफ नीति आयोग नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अफेयर विच इंडस्ट्री फ्रॉम लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन सो द करेक्ट आंसर इज फिशिंग एंड एक्वाकल्चर लाइक फिशिंग एंड एक्वाकल्चर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन एग्जेप्ट की गई है जितने भी बैंक्स के लाइक इसमें बोर्ड मेंबर्स हैं उनको दो साल का एक्सटेंशन दे दिया गया so okay, report, है सो द करेक्ट आंसर इज़ बानू प्रताप शर्मा ओके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच कंट्री इज़ डूइंग बेस्ट इन फाइट विद कोविड 19 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट है सो इंडिया इज़ डूइंग बेस्ट ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड यूएसए की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च डिजी जेन प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर्स कैन डिजिटली ओपन ए सेविंग अकाउंट एंड फिक्स देयर अमाउंट डिजिटली सो दिस द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके याद रखेगा अजय कनवाल इज द एम डी एंड सी ऑफ दिस बैंक एंड द टैग लैंड ऑफ दिस बैंक इज पैसे की कदर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वॉज कैरिड आउट बाई यूरिग एग्रीन इन विच ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ स्पेस फ्लाइट हम ऑब्जर्व करते हैं बारह तारीख को यानी कि ट्वेल्व अप्रैल को सो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्वेल्थ अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन इज द करेक्ट आंसर ओके एंड वॉजटॉक फर्स्ट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड यूरी गैग्रीन फर्स्ट बने थे ओके ट्वेल्थ अप्रैल इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिसेंटली एनेक करैकटो एक वॉलैनो जिसने हिट किया है कौन सी कंट्री में हर साल ये लाइक like, हिट करता ही करता है सो इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेगा ये हो चुका है वर्ल्ड बैंक ने जी 2.8 परसेंट एस्टिमेट लगाया ओके मोबाइल ऐप नाडी नाडी मोबाइल ऐप कौन सी इंडियन लाइक यूनियन टेरेटरी या स्टेट द्वारा लॉन्च की गई तो है टू फाइट विद कोविड नाइन्टीन जिसके सी एम है वी नारायणा स्वामी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है किरण बेदी ओके हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन आई पी एस ऑफिसर ओके कोप ब्रांड बुक द वैन गार्ड सीरीज सीजन वन इस कोऑथराइज बाय वेस्टले किंग सो इसे रिलीज़ किया गया यू हैव टू आंसर कोप ब्रांड इज़ रिलेटेड टू विस स्पोर्ट ये मैं आई थिंक बता भी चुका हूँ बास्केटबॉल ओके गूगल एंड किसने साथ मिलकर एक कंटैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए बाई लाइक uh, like, uh, उसको बूस्टअप करने के लिए बाई यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया सो गूगल एंड एप्पल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक चार्ज ये आई थिंक हो चुका है ओके देखो सेकेंड वीक के हो चुके हैं ना okay. है. आप चाहें तो उसमें दो मिनट का ब्रेक ले सकते हो ना उसके बाद हम थर्ड वीक के करेंगे स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड वीक इज मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी लॉन्च विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टल तो कौन सा पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस समाधान चैलेंज भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया भारत पढ़े ऑनलाइन भी वेब पोर्टल युक्ति भी एंड सक्षम पोर्टल भी ये सारे के सारे अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए युक्ति युक्ति की फुल फॉर्म यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन याद रखेगा रमेश नि, नि, निशांक पोखरियाल सॉरी uh, रमेश पोखरियाल निशांक इज़ द लाइक ये मिनिस्टर हैं हमारे ओके okay, इनकी कॉन्स्टिटुएंसी हरिद्वार उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तो सो ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व ग्लोबली ये बता चुका हूँ ट्वेल्थ अप्रैल नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी टू फर्स्ट जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ली गई थी यूरी गैग्रीन गए थे सो ट्वेल्थ अप्रैल इज द करेक्ट आंसर ओके दरअसल रोजर कप को पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट ईयर तक तो ये कौन से लाइक like, किसके साथ संबंध रखता है इट इज रिलेटेड टू वेज स्पोर्ट इट इज रिलेटेड टू टेनिस टेनिसके Flipkart पार्टनरशिप विद ICICI Lombard and Go Digit एंड गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस टू प्रोवाइड हेल्थ प्लान फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स सो आपको ये बताना है कि एम डी एन सी ओ को आई सी आई आई सी आई सी आई लुम्बार्ड के ओके सो करेक्ट आंसर इज भार्गव दास गुप्ता दो जो इंश्योरेंस प्लान हैं ये आपको यहाँ पे मैं लाइक कोविड नाइन्टीन प्रोटेक्शन कवर बाय आई सी आई सी आई एंड डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस बाय डिजिट इंश्योरेंस ओके देन उसके बाद भारत बायोटेक विद अ पार्टनरशिप विद यूएस बेस्ड फ्लू गैन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन मेडिसन टू डेवलप अ वैक्सीन नेम्ड कोरोफ्लू, सो ये मिलके बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन जिसका नाम कोरोफ्लू रखा जाएगा ठीक है सो वो इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ भारत बायोटेक ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में बेसिकली सो करेक्ट आंसर इज क्रिशन एम इला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री सर पास द यू एस एट द टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन तो यूएस को कौन सी कंट्री ने पास कर दिया इनकेस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन चाइना के पास आए इन दर टू थाउजेंड नाइनटीन सो यूएस को इसने ओवरटेक कर लिया तो चाइना इज द नंबर ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर देन उसके बाद विच लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच यूनियन टेरेटरी डिसाइडेड टू इम दरबार मूव लाइनी की यानी कि इस बार दरबार मूव नहीं होगा एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल जम्मू है एंड समर कैपिटल श्रीनगर है छः महीने सेक्रेट्रेट जम्मू में काम करता है छः महीने श्रीनगर में करता है सो ड्यू टू दिस कोविड नाइन्टीन इस बार मूव नहीं होगा प्रजेंटली सेक्रेटेट जम्मू में काम है सो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसाइडेड नॉट टू मूव दरबार मूव सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है डिसाइडेड टू फंड आई आई टी बॉम्बे टू डेवलप ए जेल फॉर नेशनल पैसेज एंट्री ऑफ करोना वायरस सो एक जेल बनाया जा रहा है आई आई टी बॉम्बे बना रहा है सो so, आपको ये बताना है सर बी यानी कि इंटरनेशनल लाइक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके क्रिस्टलोनिया क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैज़ नेम्ड ट्वेल्व मेंबर्स इन द एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ एडवाइजरी टीम सो आपको बताना कि एक मेंबर इंडिया के भी जिसमें इस टीम में नाम इनका आया दर्ज किया गया लाइक like, इनको इंक्लूड किया गया बेसिकली सो so, इनका नाम है रघु राजन आर के ट्वेंटी गवर्नर थे ओके okay, इम्पोर्टेंट है प्रसार भारती ने एक न्यू चैनल लॉन्च किया डी डी ओके okay, सो so आपको ये बताना जिसमें पुराने सारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाएंगे लाइक रामायण तो आप देख चुके हो शक्तिमान होगा उस पर लाइक बुलंदी एक प्रोग्राम आई थिंक बुनियाद सॉरी <laughs> बुनियाद एंड महाभारत ये सारे सो so ये इस चैनल का नाम होगा डीडी डी एंड इसके जो एम डी एन सी ओ प्रसार भारती के शशि एस वेम्पति ओके okay? लाइक आरोग्य सेतु ऐप तो लॉन्च की गई है बट इसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी एड ऑन करा किया गया बाय द स्टेट ऑफ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ताकि काफ़ी इजिली एक्सेस कर पाएँ आरोग्य ऐप उस सेतु ऐप को द स्टेट इज तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके संजीत अग्रवाल हैज़ बिन रीपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक सो करेक्ट आंसर जिसके हेडकुआटर जयपुर राजस्थान एंड संजय अग्रवाल बनाए गए हैं ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के न्यू लाइक री अपॉइंट किए गए संजय अग्रवाल एज द एम डी एंड सी ऑफ ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक चलो आगे बढ़े इज़ अ टैग लाइन ओके रिफत चौधरी जी पास हो ही वॉज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्टर ऑफ विच कंट्री सो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्टर ऑफ इराक option number c is the correct answer for this question. okay, mahabaleshwar MS has been reappointed as the and ceo of the falling bank for the next two years. so he has been appointed as the MDNCO ceo for next three years as of the karnataka bank. option number b is the correct answer for this question. okay, world anti-doping agency has celebrated play true day on which day. Gaya? Hai? so the correct answer is सेक सेकेंड इट्स नाइन अप्रैल ओके तो हो एक्चुअली वीडियो थोड़ा लेंथ बन जाता है सो आई थिंक पाँच मिनट तक इसमें हम ब्रेक लेते हैं ओके okay, तो शुरू करते हैं फिर विद न्यू एनर्जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यू नो राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो टू चल रहा है सो यू नो आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो इन वन गो आई एम नॉट एबल टू एडिट क्योंकि नेट चल ही नहीं, नहीं रहा है सो so वही चीज़ें अगर कुछ छोटी सी भी मिस्टेक हो जाते हैं कोई वर्ड्स आपने कुछ गलत बोल दिया वट जो भी है सो so, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ रही है सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड बट द मेन थिंग ये कि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी एंड जो मेन मोटिव है हमारा सो so, फिर बढ़ते हैं आगे रिसेंटली चाइना सेंट्रल बैंक हैज़ परचेज 1.01 परसेंट स्टेक फ्रॉम विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ऑफ इंडिया सो कौन से लाइक like, बैंक से चाइना ने चाइना के सेंट्रल बैंक ने इतना स्टेक ख़रीदा सो एच डी एफ सी इज़ द करेक्ट आंसर वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड इज़ द लाइक टैग लाइन ऑफ दिस बैंक आदित्य पुरी एम डी एंड सी ओ एंड हेडक्वार्टर्स मुंबई में ओके विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंटीग्रेट ग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू ट्रीट कोविड नाइन्टीन यू नो गोवा फर्स्ट बना एंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर गोवा कि गोवा ही लाइक फर्स्ट स्टेट बना जो फ्री फ्रॉम कोवा लाइक कोविड नाइन्टीन सेवन पेशेंट्स आए थे एंड सात के सात पेशेंट्स लाइक रिकवर हो गए एंड रियली ग्रेट न्यूज़ फ़ॉर गोवा सो so, उसके बाद मणिपुर एंड अरुणाचल बाकी स्टेट्स भी बने थे बट फर्स्ट गोवा बना था तो याद रखेगा सो so, इसका करेक्ट आंसर भी गोवा ही है ओके अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे एफ वन रेसर स्टर स्टिलिंग मोस्ट पास्ड अवे सो ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री सो ही वॉज द कंट्री ही वॉज़ फ्रॉम द सेम कंट्री फ्रॉम इन विच लाइक लिवाइस हैमिल्टन बिलोंग सो यू नो लिवाइस हैमिल्टन इज़ फ्रॉम यूके सो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम एफ प्रोजेक्ट कितना जे डी बी वन पॉइंट नाइन परसेंट याद रखेगा काफ़ी बार रिवाइज करवा चुका हूँ इसी वीडियो में ही सो वन पॉइंट नाइन परसेंट जो एस्टिमेट लगाया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ओके okay, अम्बेडकर जयंती हमने ऑब्जर्व की है फोर्टीन ऑफ अप्रैल में सो so, आपको ये बताना कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी का लाइक बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था कौन सी इंडिया स्टेट में तो मध्य प्रदेश मोह इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हैज बिकेम द फर्स्ट टू इंस्टॉल वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल ओके सो अब आपको ये बताना है कि ये अहमदाबाद जो हमारा रेलवे स्टेशन है कौन से लाइक like, किसके अंडर आता है ये सो ओके सो अहमदाबाद स्टेशन आता है वेस्टर्न रेलवे के अंडर जिसके हेड क्वार्टर्स चर्च गेट मुंबई में ओके अशोक देसाई पासड अवे हमारे अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने सब किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 9 जुलाई 1996 हंड्रेड नाइन्टी सिक्स टू सिक्स मई नाइन्टीन हंड्रेड नाइन्टी एट अराउंड दो साल सो ही वॉज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है के के वेणुगोपाल जी ओके okay, याद रखिएगा ओके आई आई टी बॉम्बे द्वारा एक स्मार्ट स्टैथोस्कोप बनाया गया लाइक इसकी हेल्प से हार्ट बीट सुनी जा सकती है फ्रॉम ए डिस्टेंस सो डायरेक्टर जनरल कौन है आईआईटी बॉम्बे के ये आपको बताना है प्रोफेसर सुभाषिस चौधरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर याद रखिएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन थर्टींथ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी इंडिया मार्ग द विच एनिवर्सरी ऑफ जलिया वाला बाग मैसेकर सो so, कितने साल हो चुके हैं लाइक so, like, uh, काफ़ी लोगों की जान गई थी हजारों में लोगों की जान गई थी सो एक सौ साल यानी कि ऑप्शन नंबर सी 101 इयर्स हो चुके हैं जलिया वाला बाग मैसेकर को okay world chaga's disease day was observed on 14th april so it was also known by which name so the correct answer is option number b american tripianosomiasis okay option number b is the correct answer for this question next question is the government of india decided to set up a chain of 20 lakh retail shops which will be called as सो द करेक्ट आंसर इज सुरक्षा स्टोर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके कुछ और भी में आपको याद रखना है well, ये इम्पोर्टेंट है वेल सारी चीज़ें आई नोकि देखो सारी चीज़ें करना इट्स नॉट पॉसिबल एंड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी नहीं होती बट ये है कि लाइक uh, like, एक गो थ्रू हमें ज़रूर करना पड़ता है सो so आप पी देख लीजिएगा इसमें आप यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ओके okay? होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020, सो so, इसको होस्ट हमारा अपना भारत ही करेगा इंडिया होस्ट करेगा ओके अब्दुल मजीद वॉज हैंग बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट वॉज अ किलर ऑफ विच फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश हथियारे थे इन्होंने लाइक like, uh, किसको मारा था फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजिबुर रहमान ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली जॉय बांग्ला एज इट्स नेशनल स्लोगन डिक्लेयर किया है वो आप याद रख लीजिएगा अब्दुल हामिद प्रेजेंट प्रेजिडेंट है बांग्लादेश के ओके बीरूपक्षा मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टैगलैन ऑफ दिस बैंक इज गुड पीपल टू बैंक विद गुड पीपल टू बैंक विद ओके

फाइव परसेंट टू टू पॉइंट एट परसेंट के बिटवीन हमारा जीडीपी ग्रो करेगा सो एम डी एंड सी लाइक प्रेजिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट तो फर्स्ट स्टेट कौन बनाया जी उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है जिसने पूल टेस्टिंग स्टार्ट की है याद रखेगा ओके इंडियन आर्मी ऑब्जर्व थर्टी सिक्स सेचन डे ऑन विच डे कौन सी डेट को सचिन डे ऑब्जर्व किया गया थर्टी में एक दूत लॉन्च किया गया था इस दिन ओके okay. जो भी एक डिस्प्यूट रीजन था सचिन का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया ने उसको रिकैप्चर किया था एंड इसमें हम विनर हुए थे तो विजय हुई थी हमारी मेघ मिशन सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर थर्टीनथ अप्रैल ओके विजो द फॉलोइंग नेशनल पार्क है सैटअप एक क्वारंटीन फैसिलिटीज़ फॉर एनिमल तो कौन से नेशनल पार्क ने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ स्टार्ट की फॉर एनिमल्स सो दिस वॉज स्टार्टड बाय जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क उत्तराखंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सिक्स में इसकी स्टेबलिशमेंट हुई थी ओके टूर द फ्रांस इसको कैंसिल करना पड़ा इट इज़ रिलेटेड टू विसपोर्ट तो काफी बड़ा साइकिलिंग इवेंट होता है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एज टैक देखो अपना देश वेबिनार सीरीज सो दिस वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंडस के जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल ओके एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्रीज कोविड नाइन्टीन पैकेज टू ट्वेंटी बिलियन सो प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जैक्टली मुसाद सागू एसा कावा इज़ द करेक्ट आंसर ओके वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है फिफ्टीन अप्रैल को टू प्रमोट द आर्ट सो इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लियोनार्डो डी वेंसी इटालियन आर्टिस्ट थे एंड इन्होंने ही मोनोलिजा पेंटिंग बनाई थी ओके फिफ्टीन ऑफ अप्रैल एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है याद रखिएगा लियोनार्डो डी वेंसी ओके विच इंडियन स्टेट हैज लाइक एम्प्लॉय कोबोट रोबोटिक्स टू टेक केयर ऑफ कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स सो किसके द्वारा इसे डिप्लॉय किया गया ये आपको बताना है ओके द स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी झारखंड हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री एंड गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस विच ऑर्गेनाइजेशन है डेवलोप्ड क्योस्क कोसाइक फॉर कोविड नाइन्टीन सैम्पल कलेक्शन सो किसके द्वारा इसे बनाया गया दिस वॉज डेवलोप्ड बाय डीआरडी ओ ओके और विच रीज में ये रॉजर चैपोर्ट पासड अवे ड्यू टू कोविड नाइन्टीन हॉकी के प्लेयर थे ओके okay, स्विट्जरलैंड के रॉजर चैपोर्ट एंड फॉर्मर गोल्फर डग सैंडर्स अमेरिकन इनका निधन हो गया ही वॉज ऑल्सो नोन एज पी कॉक ऑफ द फेयरवेज इनका भी निधन हो गया ओके याद रखेगा विस्टेड हैज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय मनीपुर गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फूड बैंक इज ऑल्सो लॉन्च बाय मणिपुर गवर्नमेंट ओके विच ऑज द फॉलिंग हैज डेवलप्ड स्प्रे बेस्ड कॉर्डिंग फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वमेंट्स फॉर हेल्थ वर्कर्स सो किसके द्वारा इसे बनाया गया ये आपको बताना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर हेल्थ वर्कर्स सो दिस वॉज डेवलप्ड बाय आई आई टी गुहाटी आसाम है ओके फो ऑन पे हैज स्टार्ट नियर बाय स्पॉट टू हेल्प यूजर्स टू फाइंड लोकल स्टोर फॉर असेंशियल सर्विसेज

टू क्रिएट थ्री डी कंप्यूटरेटेड डिजाइंस सो द नेम ऑफ दिस इनशिएटिव इज कोलैब कैट ओके ऑन विच डे वर्ल्ड हेम्योफेलिया डे इज ऑब्जर्व्ड कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हेम्योफेलिया एक ब्लीडिंग डिजॉर्डर है जिसमें इंजुरी के बाद क्लॉट्स नहीं बनते इजिली सो थीम रखा गया था गेट प्लस इन्वॉल्व द डेट इज सेवनटींथ अप्रैल ओके बी सी सी आई

विच एन द फॉलिंग हेज कॉइन द टर्म हैलीकॉप्टर मनी सो दिस टर्म वॉज कॉइंट बाय मिल्टन फ्राइडमैन ओके बेसिकलीकॉप्टर मनी इज डैट टाइप ऑफ मनी जो लाइक लोगों में बांटी जाती है लाइक ताकि वो खर्चा करें या देश की अर्थव्यवस्था बेटर हो ओके वॉज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम डी एंड सी ऑफ केयर रेटिंग्स सो अजय महाजन हेज बीन अपॉइंटेड ओके the department of science and technology has started an integrated geospatial platform known as so this platform is known as sahyog okay which of the following company has won edison award for social innovation category so which company has won this award for the campaign club energy hashtag switch off switch on campaign so this was won by tata power Okay, Ranjit Chaudhry passed away. He was later to which field? Correct answer is option number B Actor. Okay, who has been appointed as a new MDNC of Paytm General Insurance Limited? So, correct answer for this question is Vaneet Aurora. Which of the following has approved the sale of anti ship missile and torpedoes to India? So, this has been approved by United States of America. Okay, which of the following country has given India 5.65 .5 lakh medical kits to India to help in rapid rapid testing of COVID 19? And uh, unfortunately, maximum defectivity, and many states like Rajasthan and states ne use it. So, China. Okay. चाइनीज माल भेजा इन्होंने भाई साहब विच ऑफ द फॉलिंग स्टेट हैज़ लॉन्च वाई सर निर्माण पोर्टल फॉर स्मूथ सप्लाई ऑफ सीमेंट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वाईस आर निर्माण पोर्टल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेज कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ मापुसा अर्बन कॉपरेटिव बैंक ऑफ गोवा due to inadequate capital and fund the license of this bank has been cancelled by reserve bank of india so you have to answer who is the md and of this bank so Shalendra savant is the correct answer okay recently nirmala Sitharaman attended the virtual summit of g20 finance minister and central bank governors so it was conducted under the presidency of which country so this meeting was conducted under the presidency of saudi arabia वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हैज रिजाइंड ओके सो थमस एजॉन रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खारिफ क्रॉप ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज सेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सो मिनिस्टर को यह आपको बताना था हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के नरेंद्र सिंह तोमर ओके मोरना इनकी कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी है मध्य प्रदेश विश्वनाथ आनंद जी को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा लाइक लेकिन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फॉर एक इन्वायॉर्मेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स सो डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड वाइड फंड के इसमें यह पूछ रहा था आपसे ओके okay. सो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्रोलैम बर टीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हेड क्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड के ओके विचोज द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च सी गाट to provide home delivery of fruits and vegetables. So this is an initiative started by Chhattisgarh, okay, Yad C Gart. which instead has launched Mukhyamantri Mantri Didi Kitchen Yojana for providing free food to po poor. So this was launched by Jharkhand government, Dalbad scheme is also launched by Jharkhand. उ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेडर ऑफ क्रिक किंगडम क्रिकेट एकेडमी बेस्ड इन दुबई सो रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिफ्टी ग्रिड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू एंकरेज पीपल फॉर सोशल डिस्टेंसिंग वाइल वेटिंग एट शॉप्स सो दिस वॉज लॉन्च बाय एच डी एफ सी बैंक द एडिशनल चार्ज ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एम के एडिशनल चार्ज किसे दिया गया यूर आंसर सो so, ये एडिशनल चार्ज दिया गया पी के परिवार को जो बी एस एन एल के सी एम डी भी हैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं ओके एम टी एन एल फ्रीडम फाइटर आर वी इनका निधन हो गया याद रखेगा अमेरिकन फुटबॉलर प्लेयर विली डेविस इनका भी निधन हो गया वॉज इंडक्टेड इन टू नेशनल फुटबॉल लीग नाइनटीन ओके फाइव फाइव टू बी द मास्कट फॉर हैंग्जो ट्वेंटी ट्वेंटी एशियन पैरा गेम्स ओके okay, तो ये मास्केट सेलेक्ट किया गया एंड स्मार्ट ट्रिपलेट्स वो भी आप याद रखेंगा तो वो एशियन गेम्स के लिए एंड एशियन पैरा गेम्स के लिए फाई फाई ओके जो चाइना में होंगे ओके विच जो द फॉलोइंग कंट्री हैज हैजॉप फंडिंग डब्ल्यू एच ओ ड्यू टू कोविड नाइन्टीन फेलियर यानी कि आपस में लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम चल रही है बिटवीन डब्ल्यू एच ओ यू एस ए चाइना एंड सो यूएस ए है डिसाइडेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कि वो डब्लू एच ओ को फंडिंग नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ गार्डनर ट्वेंटी नाइनटीन डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सबसे ज्यादा डिजिटली स्किल्ड कौन सा कंट्री अकॉर्डिंग टू गार्डनर ट्वेंटी नाइनटीन रिपोर्ट सो अवर इंडिया इज दट नंबर वन सो करेट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इंडिया द सेंट्रल government had decided टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट इन केस ऑफ मिस हैपनिंग ड्यू टू कोविड नाइनटीन फॉर ऑल गो पोस्टल इंप्लॉयज तो पोस्ट ऑफिस में जितने भी इंप्लॉयज़ हैं उनको टेन लाख रुपीज यानी दस लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ड्यू टू कोविड नाइनटीन दिस वॉज डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट टेन लैख ओके विस्टेड हैज लॉन्च एस एस करोना एप टू डोर टू डोर सर्वे इन कोविड नाइन्टीन लाइक फॉर डोर टू डोर सर्वे इन कोविड नाइनटीन सारी चीजें लाइक फिजिकली रिकॉर्ड करना मैंटेन नहीं है सो एस एस करो ना दिस वॉज लॉन्च बाय न्यू दैली ओके रिसेटली न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर स्लाजर स्लाइथेरिन वन ऑफ द करैक्टर ऑफ हैरी पॉटर सो दिस वॉज नेम्ड बाय द स्टेट हिमाचल अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके Recently, tribal leader Sahara Yoram passed away. So, you have to answer he was the former minister from which country? From which state, basically? Tribal leader the, from Odisha. Option number C is the correct answer for this question. The Indian High Commissioner has organized a virtual roundtable summit for COVID 19 meet for businesses, COVID 19 issues, challenge, and way forward. So, you have to answer that like, uh, this was headed by which country? So, correct answer is. यूनाइटेड किंगडम ओके यूके इज़ द करेक्ट आंसर एंड इंडिया हाई कमिश्नर टू यूके इज रुचि घनश्याम यह भी याद रखेगा ओके टी वी एस मोटर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड विच आइकोनिक स्पोर्ट मोटर साइकिल ब्रांड ऑफ यू के सो दिस हैज़ बिन एक्वायर्ड बाय लाइक लाइक टी वी एस मोटर कंपनी ने एक्वायर्ड किया किस को किया नॉर्थर्न ओके अकॉर्डिंग टू एस बाई इको रैप रिपोर्ट इंडिया का जी डी बी कितना रहने वाला है इन द प्रजेंट फाइनेंशियल ईयर 1.1 पॉइंट वन परसेंट ओके वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है ओके करेक्ट आंसर इज एटींथ ऑफ अप्रैल थीम शेड कल्चर शेड हेरिटेज एंड शेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च इज विच मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सो द ऐप लॉन्च इज किसान रथ ओके

अंडर दिस योजना 25 लाख हाउस एड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दिस वॉज डिसाइडेड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड 5.45 पॉइंट फोर फाइव स्टेक इन स्पाइस जेट सो दिस वॉज एक्वायर्ड बाय एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी ओके हुज बिकम इंडियाज नंबर वन टेनिस प्लेयर इन लेटेस्ट आई टी टी एफ रैंकिंग सो नंबर वन बन गए शरद कमल ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन केस ऑफ फीमेल कैटेगरी मनिका बत्र एंड ओवरऑल बात की जाए चेंग मैंग फ्रॉम चाइना फीमेल कैटेगरी में एंड फेंग जेंग डोंग फ्रॉम चाइना इन केस ऑफ मेल कैटेगरी ओके ए बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन शटलर पी वी सिंधु टाइटल शटलिंग टू द टॉप द इंडियन द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु सो इसे लॉन्च किया गया आपको बताना कि ऑथर कौन है इस बुक की द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ वी कृष्णा स्वामी ओके ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन What is the name of online hackathon which has been launched to cover overcome with COVID 19 pandemic? So, is online hackathon ka naam Correct answer is Hack the Crisis India. Which of the following application had reached 50 million download in just 13 days? A record bana. World fastest downloaded app. So, the app is Arogya Setu. The Union HRD Ministry clarified which video calling app is not safe. सो द ऐप इजूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च ए डायग्नोस्टिक किट चित्राजीन लैम्प एन सो किसके द्वारा बनाई गई है द स्टेट इज केरला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चित्राजीन लैम्प एन डिटेल भी पूरी यहां पर एड ऑन की गई हैं ओके विच ऑ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च कोविद मदद कोविड मदद किसके द्वारा लॉन्च की गई है okay. Helpline number we launched. This was started by Mad, uh, Maharashtra government, Uddhav Okay, which team has been declared winner of I League season of 1920 as remaining matches has been cancelled due to COVID 19? So, which team has been declared? Mohan Bagan, West Bengal, okay, has been declared as the winner of this tournament, I League football tournament. Which so of the following state has launched project Smile for e learning? So, which this is the initiative of West state this is the initiative of rajasthan which of the following company has won i think ye ho chuka hai tata power is the correct answer okay so ye hamare third week ke ho chuke hain current affairs now ab hum karenge fourth week ke current affairs okay With this fourth week के current अफेयर हम कर लेते हैं तो हमारे पूरे current affairs कवर हो जाएंगे आप चाहें तो इसमें एक दो मिनट का break भी ले सकते हो ओके okay, सो so let's स्टार्ट द current अफेयर्स ऑफ फोर्थ वीक आई होप यू आर ऑल enjoying दिस वीडियो एंड इतना जरूर कर दीजिएगा इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा ओके okay, तो फर्स्ट डेड कौन बना जो फ्री बना था फ्रॉम कोविड 19 बता चुका हूँ इस वीडियो में क्योंकि पूरा महीने का सफर चल तो काफी रहा है तो काफ़ी चीज़ें मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ सो गोवा फर्स्ट बना था जो फ्री हो चुका है ओके सो स्पीटिंग इन पब्लिक इज़ एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सो इट इज़ अंडर 51 बी पब्लिक में थूकोगे तो एक साल की जेल भी हो सकती है एंड फाइन भी हो सकता है ओके तो अंडर सेक्शन फिफ्टी वन बी याद रखना है गूगल ने आई थिंक बता चुका हूँ टॉक बैक इस वर्चुअल ब्राइल की का नाम दिया वर्ल्ड ब्राइल डे कौन सी को ऑब्जर्व किया जाता है फोर्थ जनवरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके नासा हैज़ डिस्कवर्ड एक्सो प्लैनेट कॉल्ड कैप्लर वन सिक्स फोर नाइन सी सो यू हैव टू आंसर विच इज़ थ्री हंड्रेड लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ यू एस ए सिविल सर्विसेज डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल इज द करेक्ट आंसर ओके जो द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया गिविंग एडिशनल बेनिफिट टू देयर कस्टमर इन केस ऑफ कोविड नाइन्टीन लाइक पांच लाख का एडिशनल बेनिफिट देगा ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस करवाया है अगर आपको किसी को कई कि इसकी प्रॉब्लम हो जाती है तो पांच लाख का एडिशनल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा फर्स्ट बनाया ऐसा करने वाला इंश्योरेंस कंपनी टाटा ए आई एके आई

Which of the following has created team mask force COVID uh, like a uh, video to spread awareness about mask during COVID nineteen? So this has been like initiative by BCCI. Okay, option number C is the correct answer. Moon jae -in was has become the president of which country? Uh, which country's president like two, so North Korea, not it's South Korea. Okay, South Korea is the correct answer. Option number B. रिसेंटली माउंटेन स्विज एप्स नोन एज मैटर हॉर्न वॉज रिसेंटली लाइटअप विद इंडियन फ्लैग लाइक सम्मान के लिए इस तरीके का आप पिक देख सकते हो इस तरह झंडा लाइक like, हमारे इंडियन फ्लैग को लाइटअप किया गया इस माउंटेन में जिसका नाम है मैट्रॉर्न सो so, ये कौन सी कंट्री में है ये आपको बताना है तो ये है जी हमारा स्विजरलैंड में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल ओके वर्ल्ड लीवर डे कौन सी डेट को होता है नाइनटीन अप्रैल याद रखेगा इंपॉर्टेंट है ओके okay, ये इंपॉर्टेंट है यूपी गवर्नमेंट जॉइन हैंड्स विद गूगल टू फॉर्म्ड जियोटेक कम्युनिटी किचन ओके ये याद रख लीजिएगा एंड 12 लाख फूड पैकेट्स पर डे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओके इंडियन नेवी फॉर्म्ड एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर सेव इवैक्यूएशन ऑफ कोविड 19 पेशेंट फ्रॉम रिमोट एरियाज एंड फिच की जो फॉरकास्ट है इंडियन जीडीपी के लिए 1.8 परसेंट ओके सो ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे डेली स्टैटिक में पूछ रहा हूँ तो ये आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे वर्ल्ड अर्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी टू अप्रैल याद रखेगा एंड पचासवीं एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व की गई है सेकंड एंड ट्वेंटी अप्रैल याद रखेगा एंड थीम रखा गया क्लाइमेट एक्शन कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ एड ऑन किए गए हैं बट सारे इंपॉर्टेंट डेज इस पूरे वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे बी आर ओ कंस्ट्रक्ट दोरो दपोर रिजो ब्रिज दपोर रिजो ब्रिज कौन से इंडियन स्टेट में बना है और सुबह रिवर सो so ये दपोर रिजो ब्रिज बना है जी अरुणाचल प्रदेश में ओके okay. इन सुबहानश्रीरी डिस्ट्रिक्ट बी आर ओ द्वारा बनाया गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके हुज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो किसे बनाया गया करेक्ट आंसर इज कपिल देव त्रिपाठी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर विजो द फॉलिंग इंडस्टेड हैज़ रोल्ड आउट ई संजीवनी ओ पी डी फॉर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेसन सो किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन देने के लिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओ पी डी सो दिस वॉज स्टार्टिड बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके विज ओ द फॉलिंग आई आई डी हैज डेवलप्ड हाई स्पीड मैगनेटिक रैम विच इज एनर्जी अफिशियंट एंड कैन स्टोर मोर दैन मोर डेटा इन स्मॉलर वॉल्यूम So this is developed by IIT Mandi, Himachal Pradesh. Option number B is the correct answer. Who has won Chinese Virtual Grand Prix 2020? This was won by Charles Leclerc, option number B, and it was a virtual, that means online UE, okay. Which of the following bank has launched voice banking services for their customer on Amazon and Alexa on Google Assistant? So this was launched by ICICI bank. एन कामाडी हैज बिन रीअपॉन्टेड एज एम डी एंड सी ऑफ विच बैंक सो करेक्ट आंसर इज सिटी यूनियन बैंक ओके रिसेंटली बीएमडब्ल्यू इंडिया ग्रुप प्रेजिडेंट इनका निधन हो गया इनकी डेथ हो गई ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से इनका नाम क्या था बीएमडब्ल्यू इंडियन ऑपरेशन के हेड थे सो करेक्ट आंसर इज रुद्रा थे ऑप्शन नंबर एच यू एन चाइनीज लैंग्वेज डे कॉन्स्टिडेट को ऑब्जर्व किया जाता है इन द ऑनर ऑफ कैंग जी ठीक है ये भी याद रखना है कैंगजी सो करेक्ट आंसर इज ट्वेंटिथ अप्रैल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके ये कुछ क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स भी आपको यहां पे मिल जाएंगे ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीगलाइज कैन इज फार्मिंग फॉर मेडिकल परपजेज सो दिस वॉज लेगलाइज बाय लेबन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लॉन्च डैशबोर्ड लाइक विद द लिस्ट ऑफ डावाज एंड ट्रक लाइक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डाबाजो ट्रक वर्कशॉप की तो रोड मिनिस्टर कौन है जी नितिन गडकरी ओके तीन लाइक like, कोर्ट्स uh, के न्यू जस्टिस बने चीफ जस्टिस ये आपको याद रखने दीपांकर दत्ता बने बॉम्बे हाई कोर्ट के मेघालय हाई कोर्ट मेघालय हाँ कोर्ट के बने विश्वनाथ सुमाधर एंड उड़ीसा हाँ कोर्ट के बने मोहम्मद रफीक याद रखेगा ओके Which of the following industry has launched IU and sehat app for online medical consultation? So this was launched by started by Rajasthan government. Okay, the National Botanical Research Institute has created an alcohol-based herbal sanitizer under the brand name of clean hand gel. So who is the director general of National Botanical Research Institute. The director general is Dr. SK Barik option number A is the correct answer. What is the rank of India in world press freedom index 2020? सो दो प्लेसेस हमने स्किप कर लिया हमारा रैंक है इस बारी वन फोर्टी टू ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस वॉज स्टॉप बाय नॉर्वे एंड सबसे लास्ट में है नॉर्थ कोरिया एंड चाइना है वन सेवेंटी सेवन नंबर पे इंडिया का याद रखिएगा वन फोर्टी टू ऑप्शन नंबर सी ओके आर बी आई हेल्प करने वाला पचास हजार करोड़ की नेशनल हाउसिंग बैंक की स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नबार्ड की सो so, यही आपको बताना था कि कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है ये कर रहा है जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बाईफ्रिकेशन uh, पूरा दिया गया यहाँ पे मैंने ऑप्शन में इंक्लूड किया दस हज़ार करोड़ एन को पंद्रह एस को नबार्ड को पच्चीस हजार करोड़ ओके डिटेल्स आपको सारी मिल जाएगी तिरंगा लाइक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया फॉर रैपिड स्क्रीनिंग किसके द्वारा ये आपको बताना है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्या अभियान दिस वॉज लॉन्च्ड बाय केरला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सी ऑफ हुआई किसे बनाया गया ये आपको बताना है सी ऑफ हवाई सो ये बने हैं जी डेविल ली हुआई ये चाइनीज कंपनी है मोबाइल आपने देखे ही होंगे ओके हु हैज वॉर्न बुक विच विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ हैजन विलियम ई कोल अवार्ड तो कौन सी बुक को दिया गया ये आपको बताना है सो द नेम ऑफ दिस बुक इज़ मिड नाइट इन चन्नोबेल एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ एडम हीगन बोथहम ओके इनकी ये बुक है एंड इन्हें लाइक like, uh, सम्मानित किया गया फॉर दिस बुक लाइक अवार्ड दिया गया विलियम ई कॉल भी अवार्ड एंड ये बुक लाइक uh, like, uh, किसी भी काम के लिए दिया जाता है फॉर द आउट स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मिलिटरी मिलिट्री हिस्ट्री ओके तो याद रखेगा जो तो फॉलिंग कंट्री हैज़ लॉन्च ए मिलिट्री सैटेलाइट नूर सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय ईरान ऑप्शन नंबर ए किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया जी लाइक like, इनका नाम क्या है आपको बताना है बेसिकली सो so, इनका नाम है फिजी के प्रधानमंत्री थे लेसनिया क्वेरे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो ये कुछ है, आप ये हैं आप इनको जरूर देख लीजिएगा पी में ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑन विच डे नेशनल पंचायती राज डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया सो ट्वेंटी फोर अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर ओके एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डे सारी डिटेल्स यहाँ पर एड ऑन की गई हैं तो आप पी डी एफ आराम से बैठ के पढ़ सकते हो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ओके द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव एन ऑर्डिनेंस टू एमेंड द एपेडमिक एक्ट डिजीज़ एक्ट नाइनटीन हंड्रेड एटी सेवन अगर कोई भी अटैक किया जाएगा हेल्थ वर्कर्स पर तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों के अंदर पूरी की जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको ये बताना है इन दिस क्वेश्चन सो थर्टी डेज के अंदर सारी कार्रवाई पूरी की जाएगी एंड uh, एक साल तक कोर्ट को इसमें फैसला भी सुनाना पड़ेगा ओके okay? अगर माइनर इंजरी होगी तो कुछ फाइन कम रखा गया एंड अगर मेजर इंजरी होगी तो लाइक like, उसमें सज़ा भी ज़्यादा रखी गई ओके बट इस क्वेश्चन में ये बताना है कितने दिनों के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो जानी चाहिए अंडर थर्टी डेज ओके वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पी वी सिंधु हैज़ बीन सलेक्टेड एज एम्बेसडर फॉर बैडमिंटन फेडरेशन कैंपेन आई एम बैडमिंटन तो ये याद रखेगा ओके दिस इज अ कैम्पेन डेट गिव्स अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज प्लेयर हु एक्सप्रेस देयर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर बैडमिंटन एंड आर कमिटेड टू प्ले क्लीन ओके इंडियन स्टेट हैज गि अप्रूवल ऑफ थर्ड नेशन ऑफ सुजलाम सुफालाम जल संचय अभियान सो दिसक विच स्टेट हैज़ गिवन द अप्रूवल द स्टेट इज गुजरात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके द करेक्ट आंसर इज गुजरात बेसिकली वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये सुजालम सुफालम जल संचय अभियान द मुंसिपल कॉरपोरेशन ऑफ विच इंडियन सिटी हेज़ लॉन्च सीम ऐप टू ट्रैक होम क्वारंटीन सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय द मुंसिपल कॉरपोरे ऑफ पुणे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके फेसबुक एक्वायर्स नाइन पॉइंट नाइन नाइन स्टेक इन रिलायंस जियो तो ये आप याद रखिएगा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कौन डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एंड जो होस्ट कंट्री है कोलालमपुर मलेशिया वो आप जरूर याद रखिएगा एंड एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी आर डी बुक माई फ्रेंड एंड ये ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज साइन डे मेमोरेंडो ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू स्टडी ऑन सेफ्टी एंड प्लाज्मा थेरेपी टू लिमिट कोरोना वायरस एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन विद द पेशेंट्स सो दिस इज़ इनिशियेटिव एंड लाइक इसमें जो रिसर्च वगैरह की जाएगी प्लाज्मा थेरेपी की सेफ्टी में इस पर स्टडी किया जाएगा द इंस्टीट्यूट इज़ द हॉस्पिटल इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जो द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लाइक उब्लिक यूनियन टेरेटरी हैज़ नॉट इनिशियेटिव सर्व द सीनियर्स सो इनिशियेटिव आए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी ओके जो टी सी एस कंपनी है वो इसराइल का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक ओपन सेटअप करेगी इंडिया में ओके okay, तो ये आप इतना याद रख लीजिएगा एंड दिस दिस विल बी सेटअप बाय लाइक विद हेल्प ऑफ टी सी एस ओकेज़राइल इज़ फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक एंड सी है ये आपको याद रखना है अबाउट टाटा लाइक टी सी एस कंपनी के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ टाटा सन्स तो ये या आप याद रख लीजिएगा एंड अबाउट इसराइल जेरोसलम इसकी कैपिटल है करेंसी है एंड इसराइली न्यू शाइकिल एंड प्राइम इज बेंजामिन हो। इंग्लिश लैंग्वेज डे कौन सी डेट को बिजर्व किया जाता है ट्वेंटी थर्ड अप्रैल इज द करेक्ट आंसर इंडिया एक्सपोर्टेड अवर ट्वेंटी थर्ड टन ऑफ मेडिसिन टू नेपाल सो हू इज अजेंट एम्बेसडर टू नेपाल ये आपको बताना है सो करेक्ट आंसर इज विनय मोहन कात्रा साउथ कोरियन फर्म स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ कोविड नाइनटीन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स इन इंडिया इंडियन सब्सिडरी कौन सी जगह ये बनाए जा रहे हैं एंटीबॉडी टेस्ट किट टेस्टिंग किट्स बन रही हैं गुड़गांव ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ओके ये कुछ क्वेश्चन हैं आप देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप पी में डाउनलोड कीजिएगा ओके रिसेंटली एम एच आर डी मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च हुई जै द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर इन्वाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन न्यू दिल्ली तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सो द इनिशिएटिव ऑफ दिस मनिस्ट्री इज़ विद्या ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर विद्या 2.0। पॉइंट जीरो तो ऑस्कर विनिंग एनिमेटर जीन डिज पास अवे सो ही वॉज फेमसली नोन फॉर डायरेक्टिंग टॉम एंड जेरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर विच ऑज द फॉलो इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप नेम्ड वॉश करोना सो किसके द्वारा बनाया गया दिस वॉज डेवलप्ड बाई आई 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 टी दहली ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर जिसके डायरेक्टर हैं रंजन बोस Firoz the following state has launched a Mitra ha, app and helpline so this was launched by Karnataka government Corona watch is also launched by Karnataka government Ali Reza Ferozoy Iran Irani refusing he's only 16 years old has won banter blitz cup 2020 by beating Magnus Carlsen it's important question hai that this cup is related to which like which sport this is all related to chess चेस चैंपियन मैग्नेस कारन को हरा कर एलिजा फिर इन्होंने एक कप जीत लिया बैंटर बैंटरबलेट्स कप एंड ही इज ओनली 16 इयर्स ओल्ड याद रखिएगा ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टी डिप्लोमेसी फॉर पीस इज ऑब्जर्व्ड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी अप्रैल इंटरनेशनल मोटर साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हैज इलेक्टेड विच द फॉलोइंग एज इट्स प्रेजिडेंट फॉर टू इयर्स

रंगाकर्मी थिएटर ये इंपॉर्टेंट है सो so, इनका नाम क्या था उषा गंगोली ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर वर्ल्ड गेम्स अनवील न्यू लोगो फॉर 2022 एडिशन ओके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे एंड ग्यारहवा एडिशन होगा एंड ये रहा लोगो ओके okay, ये कुछ क्वेश्चन हैं आप आंसर देख लीजिएगा वो ओथ एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसने शपथ ले ली है करेक्ट आंसर इज संजय कोठारी ओके सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट हैज रेज इट्स टेक इन बंधन बैंक टू फोर पॉइंट फोर नाइन परसेंट होल्डिंग सेवन पॉइंट टू करोर्स ऑफ बंधन बैंक सो योर टू आंसर हु इज एम डी एंड सी ऑफ बंधन बैंक द करेक्ट आंसर इज चंद्रशेखर घोष ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर विच ऑर्गेजेशन अलॉन्ग विद ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सम्मत नगर हैदराबाद हेज डेवलप्ड इंडिया इज फर्स्ट कोविड नाइनटीन Sample collection lab named Mobile BSL-3 VR DL lab. So this was developed by ECI E SIC Medical College and DRD. Option number C is the correct answer for this question. NASA creates vital high-pressure ventilator to fight with COVID-19. So who is the present administrator of NASA? Jim Bradenstein. Option number B is the correct answer for this question and vital high-pressure ventilator. वर्ल्ड मलेरिया डेटेटर्व किया इयर ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल सो दिस वॉज स्टार्टेड बाई अहमदाबाद हाई कोर्ट दैट मीन करेक्ट आंसर इज यूपी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड फर्स्ट मार्स मिशन टू भी लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट मीनिंग क्वेश्चन दिस वॉज नेम्ड बाई चाइना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बसंता दास पासड अवे वॉज द फॉर्मर राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विस स्टेट करेक्ट आंसर इज उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली सी आई एस एफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च एप ई कार्यालय फॉर द मूवमेंट ऑफ फाइल्स लाइक विदाउट फिजिकल टच सो हू इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सी आई एस एफ राजेश रंजन ओके वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको के करेक्ट आंसर इज शिव मीना शिवदास मीना ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑबजर्व खोंग जोम डे लाइक मणिपुरी एंड लाइक इनके बीच लड़ाई हुई थी ओके ब्रिटिशर्स एंड मणिपुरी किंगडम के बिटवीन तो अब इसकी लाइक आपको ये बताना है कि लाइक एंग्लो मणिपुरी वॉर आप बोल सकते हैं उसको लाइक जो फाइट हुई थी बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द किंगडम ऑफ मणिपुर सो उसी चीज़ को ये मार्क करते हैं एंड दिस वॉज ऑब्जर्व बाय मणिपुर ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी आप यहाँ करेंगे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डेलीगेट डे एंड वोडाफोन टाइज अप विद पे टी एम टू लॉन्च रिचार्ज साथी कुछ डैम्स हैं ये आप आंसर्स करेंगे जो मैं डेली करंट अफेयर्स में आपको रिसेंटली वाई एस आर जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम स्टार्ट की गई है सो so, ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है जिसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से इसमें लोन ले सकती हैं अप टू तो फोर्टी थाउजेंड विदाउट एनी इंटरेस्ट इनिशिएटिव बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसिस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बाहर से फॉरेक्स मनी आता है हमारे कंट्री में जो फॉरन मनी आता है तो कितने परसेंट ड्रॉप आउट दिखेगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक सो ट्वेंटी करेक्ट आंसर होगा इसका थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक क्या रखा गया वैक्सीन

ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 26 सिक्स अप्रैल इज द करेक्ट आंसर एंड थीम फॉर दिस ईयर इज इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर यू एन सी टी ए डी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कितने लाइक like, कितने अमाउंट का डेप्ट लाइक like, उदारी माफ करने का घोषणा किया फ्राम ऑल कंट्रीज वन ट्रिलियन ओके okay, कर्मी बोर्ड किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया टू सर्व फूड एंड मेडिसिन टू कोविड नाइनटीन पेशेंट सो दिस वॉज डिप्लो डिप्लॉयड बाय केरला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च जीवन शक्ति योजना फॉर प्रिपेयरिंग मास्क सो दिस इज इनिशियेटिव बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इलेवन रुपीज पर मास्क दिए जाएंगे वुमेन्स को फॉर मेकिंग मास्क ओके धन धनवंतरी स्कीम फॉर डिलीवरिंग मेडिसन दिस इज इनिशियेटिव बाय विच इंडियन स्टेट So this is the initiative by Assam government. Option number B is the correct answer. Okay, recently James Mbags passed away. So he was the former administrator of. So he was the former administrator of NASA. Okay, World Day for Safety and Health at Work is observed on which day? Correct answer is option number B, 28th April. उमर अक अकमल बेसिकली ओके उमर अकमल हैज़ बिन बैंड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर थ्री इयर्स सो ही प्लेज फॉर विच कंट्री सो ही प्लेज फॉर पाकिस्तान हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी तो किसे बनाया गया रवि मित्तल इज द करेक्ट आंसर विच कंट्री रिसेंटली टर्मिनेट डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स द कंट्री इज सऊदी अरेबिया विच टेड हैज डिप्लॉयड रोबोट नेम नाइटिंगल नाइनटीन फोर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स सो दिस वॉज डिप्लॉयड बाय केरला ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर साना मीर पास सॉरी रिसेंटली अनाउंस इज रिटायरमेंट सो ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड सो ही वॉज रिलेटेड टू क्रिकेट एंड पाकिस्तान टीम के लिए खेलती हैं थी सॉरी अब रिटायर होगी वट इज रैंक ऑफ इंडिया इन विलट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द इयर ट्वेंटीन बाई सि रिपोर्ट मतलब हम एक्सपेंडिचर तीसरे नंबर पे करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर यूएस करता है देन चाइना करता है एंड हमारा इंडिया करता है थर्ड नंबर पर सेवेंटी बिलियन डॉलर लाइक एक्सपेंडिचर के इन टू थाउजेंड नाइनटीन द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ इंज टू कंट्रीब्यूट हाउ मच अमाउंट टू द म्यूचुअल फंड कंपनीज़ तो पचास हज़ार करोड़ देगा लिक्विडिटी को मेनटेन करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया टू म्यूचुअल फंड कंपनीज फिफ्टी थाउजेंड देवानंद कोनवाल पासडाए सो कौन सी स्टेट के इन्होंने गवर्नर सर्व किया था बिहार भी किया था त्रिपुरा भी किया था एंड वेस्ट बंगाल भी किया था तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जीवन ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया विच कोच फैक्ट्री इट्स नॉट लाइक यू हैव टू आंसर कौन सी लाइक रेल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाया गया सो दिस वॉज डेवलप्ड बाय कपूरथला पंजाब जीवन ओके आई सी एम आर हैज अप्रूव्ड विच मेडिसिन लाइक मशीन फॉर टेस्टिंग कोविड नाइन्टीन टेस्ट सो TB machines has been approved by ICMR for COVID-19 test. Which of the following has deployed a low-cost, developed a low-cost ventilator Rudar? So this was developed by National Institute of Technology, Srinagar, Islamic University of Science and Technology, Jammu and Kashmir, and IIT Bombay. Correct answer is all of the above. King George Medical University has become the first hospital to launch plasma therapy for COVID-19. So, it is located in which Indian state? So, this hospital is located in UP. Option number B is the correct answer for this question. India Rating and Research estimate India's GDP. कितना grow according to India Rating and Research? 1.1 percent. Option number A is the correct answer. ATEL partner with Nokia to enhance the network capacity of ATELs. एयरटवे like लाइक भारतीय एयरटेल की नेटवर्क कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए सो सी ई कौन है एंड प्रेजिडेंट ऑफ नोकिया इन इंडिया करेक्ट आंसर इज राजीव सूरी नोकिया के सी ओ अगर ओवरऑल बात की जाए तो पीका लैंडमार्क नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है ओके यू आई डी आई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनेबल्स लाइक कॉमन सर्विस सेंटर्स टू ऑफर आधार वेलिडेशन फैसिलिटी आप आधार आप वैलिडेट करवा सकते हो जहाँ पैन कार्ड वगैरह बनाते हो ना फोटो चेंज करवा सकते हो हु इज़ अ पर्सन ऑफ यू डी आई सो करेक्ट आंसर इज जी जे सत्यनारायण आर्य ओके बेसिकली जय सत्यनारायणा करेक्ट आंसर होगा एंड चेयर पर्सन इसके हैं लाइक बता चुका हूँ जय सत्यनारायणा एंड इसके जो सी ई हैं वो हैं पंकज कुमार याद रखेगा एन टी पी सी लॉन्चेज है टेन हाइड्रोजन फ्यूल कार एंड बसेज इन ले एंड लद्दाख लाइक हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक बेस्ड बसेज होंगी चेयरपर्सन को उन्हें एन के ये आपको बताना है गुरदीप सिंह इज द करेक्ट आंसर स्पेशल बोरिंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सो इसमें लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा सो इज द एम डी एंड सी ऑफ लाइक इज दिस इंडियन ओवरसीज बैंक करेक्ट आंसर इज करनाम शेखर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर पिच ब्लैक मिलिट्री एक्साइज जो एयर एक्साइज होनी थी एयर फोर्स के बिटवीन कैंसिल कर दी गई बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू कोविड नाइन्टीन जुमा खातुम इनको चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया सो इज रिलेटेड टू एथलीट थी बेसिकली रनर है ओके रेसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नोटिस ड्रामिस्ट एंड ड्रामिस्ट एंड प्लेयर राइटर बीजे मिश्रा पास अवे सो ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट ही वॉज फ्रॉम उड़ीसा एक उड़ीसा साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है एंड ही वॉज फेमस फॉर द बुक बाना प्रस्ता ओके okay. सो so, ये कुछ क्वेश्चन जो मैं आपसे डेली पूछता हूँ एंड सो डेट ऑल ओके सो विद दिस आई होप एवरी थिंग इज क्लियर एंड जितने भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए यू है इन्जॉयड दिस वीडियो आई नो कि काफ़ी लेंथी वीडियो बनाए एंड अराउंड वन आवर टू आवर्स का वीडियो बनने वाला है सो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है एंड नाउ आई वॉन्ट कि आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को शेयर जरूर करें अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ विद न्यू अपडेट बेस्ट ऑफ लक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें कमेंट करके अपने लाइक कमेंट भी जरूर करें एंड इसको जितना हो सके शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हो सारे आंसर्स मार्क मिलेंगे थैंक यू बेस्ट ऑफ लक